बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ प्रॉपर्टीज़ में खुश आमदीद। मेरी खिदमत है आपके लिए। तीन मरले का डबल स्टोरी मकान, इस वक्त आपके सामने जो है फ्रंट एलिवेशन जो है मकान का मौजूद है। कैनाल बैंक में ये घर वाक़ है। तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। गैस का मीटर, वाटर का मीटर यहाँ पर जो है लगा हुआ है। बिल्कुल ब्रांड न्यू और नया घर मौजूद है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश घर यहाँ पर ये अवेलेबल है। फ्रंट एलिवेशन देखने के बाद चले जी घर के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं घर अंदर से कैसे बना हुआ है। जैसे ही घर के अंदर जो हम दाखिल होंगे, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको जो है घर कैसा लगा और वीडियो आपको जो है कैसे लगे। इस वक्त जो है हम यहाँ पर जो है बड़ी गाड़ी के गिराज पर यहाँ पर मौजूद हैं। नीचे मार्बल लगा हुआ है और ऊपर छत पे जो है सीलिंग का काम मौजूद किया हुआ है। और राइट साइड पे जैसे हम दाखिल होंगे तो एक पाउडर रूम जो है बना हुआ है। पाउडर रूम आपको हम अंदर से दिखा देते हैं। नीचे देखिए जी, यहाँ पर भी दीवारों पे टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। बिल्कुल नया घर है, ब्रांड न्यू घर है। अभी इसकी रिसेंटली जो है तमीर की गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये आप देखें ऊपर अलहदा से जाने का रास्ता भी दिया हुआ है। और राइट साइड पे इधर देखें तो किचन के एक खिड़की लगी हुई है। वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। किनाल बैंक में ये घर मौजूद है। वाटर मीटर, गैस मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए जी, ये इस वक्त ये टीवी के लिए यहाँ पर जगह बनाई, एलईडी पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ से देखें आपको एक ये व्यू भी दिखा देता हूँ। ये बाहर से आने का व्यू है और साथ ही जो देखें ये किचन भी बना हुआ है। चले जी आपको किचन जो है अंदर से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चूल्हा इन्होंने लगा कर दिया हुआ है और ऊपर जो है हुड का भी काम जो है इन्होंने करवा के दिया हुआ है। बहुत ही मुनासिब कीमत में जो है घर मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन और मजबूत घर है। लकड़ियों की अलमारी वगैरह भी यहाँ पर बनी हुई है। ले जी, ये रहा यहाँ का टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पर ये एक इन्होंने एक मास्टर बेडरूम बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा बेडरूम बनाया हुआ है और यहाँ पर देखिए वाटरफॉल भी यहाँ पर बनाई हुई है। ये देखिए इस वक्त यहाँ पर ये ऊपर जो है छत पे सीलिंग का काम बहुत खूबसूरत तरीके से करवाया हुआ है और लकड़ी की अलमारी भी यहाँ पर जो है बनी हुई है। और साथ ही इसके जो है एक अटैच वाशरूम है। वाशरूम भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वाशरूम आप देख सकती हैं कि काफ़ी जो है खूबसूरत तरीके से वाशरूम जो है तैयार किया गया हो। राइट साइड पे जो देखें यहाँ पर टाइल्स वगैरह का काम किया हुआ है और छत पे सीलिंग का काम भी जो है इस वक्त मौजूद है। और इलेक्ट्रिशियन का काम जो है ऑलमोस्ट जो है कम्प्लीट किया जा चुका है। थोड़ा बहुत काम जो रह चुका है वो इंशाल्लाह एक दो दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है सीलिंग का काम किया हुआ है। एक नए और मुनफरद अंदाज में इन्होंने जो है सीलिंग का काम यहाँ पर करवाया हुआ है। ये देखिए ये वाटरफॉल भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए मुकम्मल कंप्लीट जो है वाटरफॉल है। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से जो है आबशार जो है ये चल पड़ेगी। और नीचे देखिए इन्होंने जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है एक सब्ज़ रंग की जो है इन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो नीचे लगाई हुई है। लें जी, यहाँ तक जो है ग्राउंड फ्लोर जो है कंप्लीट हुआ। चले जी अब जो है ऊपर छत की जानब बढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर की जानब देखते हैं कि ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर जो है कैसे बना हुआ है। मुनासिब साइज़ की जो है सीढ़ियों की चौड़ाई रखी गई है। तकरीबन कोई 3.5 से 4 फुट की जो है सीढ़ियों की चौड़ाई रखी गई है। 15x45 इस प्लॉट का कंप्लीट इसका साइज़ है। और तीन मरले का डबल स्टोरी ये घर मौजूद है। एक जो है एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है तीन मरले का जी। देखिए जैसे हम ऊपर छत में दाखिल होंगे तो ये यहाँ पर किचन इन्होंने बाहर बनाया हुआ है। ऊपर सीलिंग का काम आपको दिखा देते हैं। नीचे जो है देखें ग्रेनाइट कलर की मार्बल लगी हुई है। एक बेडरूम राइट साइड पे है और एक बेडरूम लेफ्ट साइड पे है। पहले लेफ्ट वाला बेडरूम दिखाते हैं आपको।
सेम बिल्कुल उसी तरीके से जो है यहाँ पर देखें कि वेंटिलेशन का ही सिस्टम, छत पे सीलिंग का काम है, लकड़ी की अलमारी वगैरह मौजूद है और इसके साथ देखें अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में भी मुकम्मल कंप्लीट जो है वेंटिलेशन है, छत पे सीलिंग का काम है, सैनिटरी का सारा काम जो है कंप्लीट किया गया है। और ये रहा ऊपर वाला किचन, ऊपर वाले किचन में भी वही वुड वर्क का इस्तेमाल किया गया है, उसी कलर की वुड इस्तेमाल की गई जिस कलर की वुड नीचे वाले किचन में इस्तेमाल की गई है। और देखिए यहाँ पर भी जो है किचन के लिए यहाँ पर उन्होंने एक चूल्हा जो है डिजिटल चूल्हा जो है इन्होंने यहाँ पर लगा के दिया हुआ है। ये मकान बनाने वाले की बहुत एक अच्छी एक खूबी और ख़ासियत होती है जो ये सारी चीज़ें जो है आपको कम्प्लीट करके एक देता है। लीजिए इस वक्त हम एक तीसरे बेडरूम में आ चुके हैं, ये देखिए लकड़ी की अलमारी मौजूद है, इधर ऊपर छत का सीलिंग काम भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है। और ये रहा इसका ओपन जो है इसका टेरेस, ये भी आपको मैं विजिट करवा देता हूँ। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को सजाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ें जो हैं ये लगाई गई हैं यहाँ पर, ये चीज़ें जो हैं आपके घर को जो है मज़ीद खूबसूरत और नुमाया जो है आपको बना देते हैं। चले जी अब यहाँ से आपको जो है एक इसका अटैच वॉशरूम जो है वो दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर यह कमोड सिस्टम लगा हुआ है, सेंट्री का काम कम्प्लीट है, दीवारों पर टाइलें लगी हुई हैं, वेंटिलेशन का काम भी मौजूद है खूबसूरत तरीके से और ऊपर छत में सीलिंग का काम भी किया हुआ है। बहुत ही मुकम्मल मजबूत और बेहतरीन घर है, मुनासिब कीमत है। घर की कीमत जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, घर का एड्रेस जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, आप फ़ोन करें, आप कमेंट्स करें। घर अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर जो है परचेज़ करने के लिए आप रब्ता करें। लीजिए इस वक्त हम छत के जाने पड़ते हैं, सीढ़ियों की बहुत ही मुनासिब किस्म की उन्होंने जो है चौड़ाई रखी हुई है। ले जी ऊपर वाला एक छोटा सा इन्होंने एक स्टोर नुमा एक जगह बनाई हुई है, देख सकते हैं आप सीढ़ी पे मार्बल वगैरह लगी हुई है। ले जी सूर्य हम छत पे आ चुके हैं, जिस वक्त हम छत का आपको नज़ारा कराते हैं, देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छा एक शेड सिस्टम बना के दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप कल को चाहें तो कोई मशीन वगैरह लगाना चाहें तो आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। लीजिए ये घर आप देख सकते हैं, बहुत ही नुमाया और बहुत बेहतरीन खूबसूरत घर है, ऊपर पानी की टैंकी भी जो है इन्होंने लगा के दी हुई है, मुकम्मल घर है, बेहतरीन घर है, खूबसूरत घर है। आपको टैंकी दिखा देते हैं, ये देखिए पानी की टैंकी, सब बड़ी एक खूबसूरत एक सॉलिड डिज़ाइन की इन्होंने टैंकी लगाई हुई है। अब तक के लिए इतना है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।